हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला आज हम लोग मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी राइट क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायो केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन से राइट So that's why biochemistry part requires a lot of understanding, a lot of fundamental skill to get some scores in this particular session, right? So I will take you to the previous year's session. I mean previous year's questions of biochemistry. In addition to that, we'll also deal with some, you know, some model questions, some new questions which you may anticipate in your exam because I'll be dealing with some similar type of questions on biochemistry as well, right? So let's start today's session on biochemistry. अच्छा एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या सीखेंगे एक तो है आपका प्रीवियस प्रिवियसियस क्वेश्चन का जो प्रीवियस प्रीवियसियस क्वेश्चन है इन एडिशन टू दैट वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन राइट क्योंकि दोनों ही आपको चाहिए आपको प्रीवियस प्रीवियसियस क्वेश्चन भी चाहिए इन एडिशन टू दैट यू ऑल्सो नेट समैक्टिस क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर ऑर्स्यूअसली

Answer, C will be your correct answer. Yes, C will be your correct answer because del G should be negative. Isn't it? Tell me. Next question. If in a metabolic reaction at temperature 27 degrees centigrade, increase in enthalpy, 27 degrees centigrade increase in enthalpy is 1000 joule and decrease in entropy is 10 joule, calculate the change in free energy.

ये जो सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं राइट इसको अगर कैनविल केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 273 प्लस 27 राइट इतना केल्विन सो दिस विल बी 300 केल्विन ओके टी हो गया देन एंथैल्पी Δh एंथैल्पी 1000 जूल 1000 जूल ओके नेक्स्ट एंट्रोपी डिक्रीज इन एंट्रोपी देखो यहाँ पे था इंक्रीज इन एंथेल्पी यहाँ पे है डिक्रीज इन एंट्रोपी मतलब डेल एस विल बी माइनस टेन जूल ओके अच्छा अब हम लोग ये जो इक्वेशन है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस यहाँ पे सारे इक्वेशन बिठाएंगे तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच का वैल्यू कितना है थाउजेंड जूल माइनस टी डेल टी का वैल्यू कितना है थ्री हंड्रेड का वैल्यू कितना है टेन माइनस था इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा थ्री थाउजेंड जुल हो जाएगा राइट थ्री हंड्रेड इन टेन थ्री थाउजेंड तो टोटल हो जाएगा फोर थाउजेंड जुल वो दिल जी का वैल्यू होगा फोर थाउजेंड जुल देख लो फोर थाउजेंड है यहाँ पे फोर थाउजेंड तो आंसर भी ए राइट या आंसर जैसे मैंने बोला था ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ंडर वाट कंडीशन वॉट कंडीशन रिएक्शन अंडर वाट कंडीशन रिएक्शन विल ऑलवेज ऑकर रिएन उल ऑल ऑकर ओके अच्छा रिएक्शन ऑकर का क्या मतलब होता है मतलब देर बी स्पॉन्टेन राइट मतलब स्पॉन्टेन रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या है डेल जी शुड भी नेगेटिव डेल जी शुड भी नेगेटिव मतलब डेल जी का वैल्यू शुड भी लेस देन जीरो इन विच ऑफ दस यू विल गेट दैल्यू डेल जी ने देखते शुरू करते एकदम पहले से ओके से शुरू कर रहा हूँ। डेल जीवल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस अच्छा यहाँ पे देखो एक से शुरू करते पहले क्या लिखा है ऑप्शन में डेल एच लेस जीरो अच्छा अगर डेल एच लेस देन जीरो हो गया तो दिस विल बी नेगेटिव अगर डेल एच लेस देन जीरो so right? अगर एस का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो चाहे टी का वैल्यू कुछ भी हो चाहे टी का वैल्यू कुछ भी हो एस का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव दिस बी पॉजिटिव राइट तो देखो एक हो गया नेगेटिव डेल एच का वैल्यू देन होगा प्लस एस का वैल्यू राइट right? अच्छा इसका टोटल आउटकम क्या होगा अगर दो वैल्यू ऐसे आ रहे हैं माइनस एंड प्लस तो उसका अल्टीमेट वैल्यू क्या होगा अल्टीमेट वैल्यू प्लस भी हो सकता है अल्टीमेट वैल्यू माइनस भी हो सकता है कैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मान लीजिए ऐसे है कि माइनस फाइव प्लस टेन या तो मान लीजिए माइनस टेन प्लस फाइव दोनों ही पॉसिबल है अगर दोनों पॉसिबल है तो क्या होगा माइनस फाइव प्लस टेन मतलब इसका क्या होगा प्लस फाइव अगर माइनस टेन प्लस फाइव हो रहा है इसका क्या होगा माइनस फाइव क्या समझ में आ रहा है जब आपको दो वैल्यू मिल रहे माइनस दिस दिस साइड साइड एंड प्लस इसका आउटकम मतलब टोटल जो फाइनल वैल्यू जो जोल्टीमेट वैल्यू वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अब देखो ये प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइडिंग फैक्टर है डिसाइडिंग फैक्टर है टी टी इज द डिसाइडिंग फैक्टर क्योंकि टी बी मल्टीप्लाइड टू तो अगर टी का वैल्यू ज्यादा हो रहा है यहाँ पे अगर टी का वैल्यू ज्यादा है मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ये ये जो प्लस वाला वैल्यू है दिस विल बी मोर अगर प्लस वाला वैल्यू ये जो प्लस टेन जैसे मैंने किया प्लस वाला वैल्यू अगर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू विल बी प्लस अगर टेम्परेचर कम हुआ टी का वैल्यू कम हो गया इन दैट केस ये जो माइनस वाला वैल्यू है इधर जो डेल डेलेज का वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगा राइट सो इन दैट केस इट कैन बी माइनस टेन एंड प्लस फाइव सो ओवरऑल वैल्यू वैल्यूल माइनस फाइव अब देखो यहां पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है डेल एच लेस देन जीरो एंड डेल एस लेस देन जीरो इन दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन आप यहां पे बिठा दियो फिर भी यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन वेदर डेल जी विल बी प्लस और माइनस व्हाई बिकॉज दिस रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ टी वेदर इट इज मोर और लेस अगर टी का वैल्यू ज्यादा हो रहा है देन ओवरऑल वैल्यू विल बी प्लस अगर टी का वैल्यू कम हो रहा है देन ओवरऑल वैल्यू बी माइनस सो फ्रॉम दिस यू कैनॉट से डेल जी विल बी नेगेटिव यू के नॉट से बिकॉज दिस दिस टू थिंग डिपेंड्स ऑन टी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर समझ में आया ओके सो पहला ऑप्शन जो था उस ऑप्शन से हम लोग नहीं बोल सकते कि डेल जी विल बी नेगेटिव और नॉट क्योंकि डेल जी नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं सो इट डिपेंड्स ऑन टी so we'll eliminate this option. this option is not correct. next come to option B. कुछ दूसरे कलर ले लेते हैं okay, कलर ले लेते हैं डेल एच लेस देन जीरो मतलब क्या होगा डेल एस ग्रेटर देन जीरो मतलब एस प्लस. अच्छा तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस राइट so, तो right? so, दोनों माइनस हो रहे मतलब डेल एच का साइड भी माइनस हो रहे, एंड टी डेल एस का वैल्यू भी माइनस हो, so, हो रहे तो दोनों जब माइनस हो रहे तो अल्टीमेट इसका जो पेनल्टीमेट तो यहाँ पे चाहे टी ज्यादा हो या कम हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली टोटल जो वैल्यू होगा जो पेनल्टीमेट वैल्यू होगा दैट विल बी माइनसिडर दिसीशन

कैसे जैसे मान लीजिए कि प्लस फाइव माइनस टेन या तो प्लास टेन माइनस फाइव देखो दोनों हो सकता है राइट तो जब दोनों हो सकता है यहाँ पे दिस विल दिसनस फाइव दिस विल बी प्लस फाइव तो जब एक कंडीशन आप यू नो कंसीडर कर रहे हो डेल एच ग्रेटर दैन जीरो डेल एस आल्सो ग्रेटर देन जीरो इन दिस केस नाइदर ऑफ दिज टू

तो जब हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि डेल जी नेगेटिव जहां पे है वही आंसर होगा क्योंकि ढूंढ right? तो रहे हंड्रेड परसेंट यू नो दिस कैन बी डेल जी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो दैट्स वाई यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस वाई बिकॉज दिस होल थिंग अगेन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टी नाउ कम टू सी ऑप्शन सी

देखो कुछ थर्मोडायनोमिक प्रॉपर्टी कैनोट बी डिरेक्टली मेजर इन ए सेल कौन सा से थर्मोडायनोमिक प्रॉपर्टी है जिसको आप डिरेक्टली मेजर नहीं कर सकते अच्छा एक बार देखो यहाँ पे जो थर्मोडायनिकवेशन था एल जीस टू एल एच माइनस टी डल एस ठीक है अच्छा ये पे कितना पैरामीटर है टोटल चार पैरामीटर है फ्री एनर्जी एंथैल्पी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी फोर पैरामीटर्स अ देयर राइट चार पैरामीटर एक चीज देखो ये जो चार पैरामीटर है यहाँ पे ये जो डेल्जी है डेल्जी डिपेंड्स ऑन डेल्एच डेल्जी डिपेंड्स ऑन टी डेल्जी डिपेंड्स ऑन डेल् डेल्एस तो ये जो वैल्यू है ये जो तीन वैल्यू है दीज आर इंडिपेंडेंट बट डेल्जी इज टोटली डिपेंडेंट डेल जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री दीज आर इंडिपेंडेंट दिस इज डिपेंडेंट अंडरस्टुड अगर आपको डेल जी का वैल्यू निकलना है यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ डेल एच यू हैव टू नो द टेम्परेचर यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ डेल एच ऑल्सो सो इफ यू डोट नो दिस थ्री वैल्यू यू कैनॉट मेजर डेल जी सो डेल जी कैनॉट बी इंडिपेंडेंट डेल जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज थ्री फैक्टर्स क्वेश्चन हिस्टर इट से प्रॉपर्टी कैनोट बी डिरेक्टली मेजर कौन सा थर्मोटोनोमिक प्रॉपर्टी है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते नहीं कर सकते बिफोर मेजरिंग डेल जी यू है Next question number five. The equilibrium constant of a reaction is a ratio of product to substrate concentration. Yes, we also know it. So, the reaction between the reaction uh, between K equilibrium and free energy change in a reaction del G is like this that del G uh, dash equals to minus RT ln K equilibrium, right? Reaction A and reaction B have K equilibrium values of 10 and 100 respectively. All right, good.

अच्छा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर डेल जी ए के लिए लिख ले रहे ये जो डेल जी डैश है दिस बी माइनस आर टी एन क्यू ए इसका वैल्यू कितना है टेन राइट तो एन को अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं एन को अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा राइट दिस बी अच्छा एल को अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे और एक वैल्यू आएगा वो होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री राइट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अच्छा यहाँ पे भी देखो ये भी आएगा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी

वैल्यू कितना होगा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो था डेल जी का वैल्यू डेल जी वैल्यू ए का था मतलब जो रिएक्शन ए का था यह था डेल जी वैल्यू बी का तो दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में देखो एक चीज ये है माइनस राइट right? ये है माइनस अच्छा आर टी दोनों में कॉमन है एंड आर टी का वैल्यू कंस्टेंट भी है राइट right? तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा तो यह है माइनस फोर पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स हायर कोर्स ए का हायर होगा वाई बिकॉज माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री

जगह आप टेन बैठा दो जब आप टेन बैठा रहे हो आपको याद रखने कि एल से आप लॉक कन्वर्ट कर रहे हो तो जब एलएन से लॉक कन्वर्ट कर 2.303, राइट? टू पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तो होगा टेन लॉक टेन का वैल्यू वन इधर होगा लॉक हंड्रेड लॉक हंड्रेड मतलब लॉक टेन टू दू टू राइट सो लॉक टेन टू पर टू मतलब 2 10 हम लोग लिख सकते हैं लॉक टेन का वैल्यू है 1. So 2 answer will be b next question number six Dekho, what will be the charge of magnesium bound atp molecule very good question can you, can you expect what will be the answer let us see how it looks like okay deca hmm. atp aise b right right ऐसे ऐसे आएगा? ऐसे कुछ आएगा? कुछ right? अच्छा। या, या पे लिखा है कि magnesium bound. अगर magnesium bound है, अगर है, है, तो देखो दिस विल पार्ट विल बी यू नो लाइक न्यूट्रलाइज्ड तो चार्जेस कितना बाकी रहेगा इसका एंड इसका माइनस so, टू तो अगर मैग्नेशियम बाउंड एटीपी हो रहे हैं तो इसका चार्जेस होगा माइनस राइट right? देखो माइनस टू तो यस माइनस टू विल बी योर चार्ज यस जो मैंने बोल रहा था देखो यही है तो इसका एक माइनस वन इसका एक माइनस वन सो इट विल बी माइनस टू ठीक है सेम चीज अगर एटीपी के लिए पूछा जाता देखो सेम चीज मतलब एक फास्फेट कम होगा एटीपी मतलब तीन या पे दो फास्वेट. तो फिर मैग्नीशियम ऐसे दोनों को यू नो सिंपल सा क्वेश्चन है बट अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इन द माइट ऑफ एंड एनडीए टू आर एसेंशियली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया में एनएडीएच एंड क्यूएच टू जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज बाई होम ऑक्साइड ओजन हाइड्रोजन पाइक्साइड एंड ऑक्सीजन अच्छा पहले एक बात बताओ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनडीएच एंड क्यू एच टू ये क्या जरूरत है एनएडीएच एंड क्यू एच टू का क्या जरूरत है देखो एनएडीएच एंड एफ एडीएच टू डोनेट इलेक्ट्रॉन to ETC electron transport chain so that in the transport chain finally there is oxygen who will accept this electron and this will be converted to water so oxygen will be reduced oxygen will be reduced so here it is written that in the mitochondria NADH and QH2 are essentially oxidized by so who will oxidize them of course oxygen will oxidize them oxygen will oxidize them and oxygen itself will be reduced oxygen itself will be reduced to form water right yes so this will be oxidized by oxygen next almost all of the oxygen one consumes in breathing during breathing will be converted to what oxygen consume you know during breathing process so most of the oxygen will be uh, you know converted to what will be converted to acetyl -koy? will it be converted to carbon dioxide carbon monoxide and then to carbon dioxide or water. This will be converted to water. This will be converted to water. Okay. This is what I told that oxygen will be reduced to form water molecule So please keep in mind oxygen, you know, consume during inhaling process, during breathing process. Majority of them will be converted to water molecule. So question both simple but it requires a lot of understanding. Okay. Yeah, this will be. What? Next, upon the addition of an uncoupler, uncoupler means it will collapse the transmembrane proton gradient to a suspension of mitochondria carrying out oxidative phosphorylation linked to the oxidation of mallet. All of the following can occur except agar if you know uh, intact mitochondria. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यू नो चल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉर्पुलेसन भी चल रहा है राइट वो आप अगर आप आन का ऐड कर दिए हो तो इन इन दैट केस यू हैव एडेड आन का प्लर ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन आई मीन विल ऑकर एंड हुई ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑकर दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली कि यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो कि नहीं होगा अच्छा ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम होगा अच्छा पहले यहाँ पे आ जाते हैं एक्चुअली देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है देखो है इनर ये है आउटर मेम्ब्रेन, राइट दिस इज योर मैट्रिक्स एंड दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस राइट पहले एक बार देख लो अब क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहां से हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है राइट थ्रू इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है अच्छा यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू इनर मेम्ब्रेन साथ ही साथ क्या होगा

जितना ज्यादा जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उतना फास्ट उतना रैपिड प्रोटोन भी पंप आउट होगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू स्पेस अच्छा इन दैट कंडीशन इंटरमीब स्पेस में क्या होगा प्रोटोन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रोटोन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा राइट एंड प्रोटोन कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा यहां पे मैट्रिक्स में बहुत कम एंड इंटरमीब स्पेस में बहुत ज्यादा प्रोटोन कंसेंट्रेशन हो जाएगा राइट ओके अब देखो यहां पे क्या होगा यहां पे है आपका यहां पे आपका एफ जीरो बट एटीपी सिंथेस एटीपी सिंथेस एंजाइम राइट एटीपी सिंथेस एंजाइम अच्छा ये जो प्रोटोन पंप प्रोटोन पंपिंग आउट हो रहे हैं मतलब मैट्रिक्स है, से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोटोन ऑलरेडी एक्युमुलेट हो चुका है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस राइट And जो मेम्ब्रेन है टोटल इंटैक्ट है मतलब मेम्ब्रेन में कहीं लीकेज नहीं है कोई पोर्स नहीं है देर इज नो अदर वे सो दैट प्रोटोन में अगेन कम बैक टू मैट्रिक्स ऐसा कोई चांस है ही नहीं क्योंकि दिस मेम्ब्रेन इज टोटली इंटैक्ट अच्छा सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से प्रोटोन आ सकते है कौन सा रास्ता है वो है एफ जीरो पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस इसका थ्रू प्रोटोन कैन पास थ्रू ये जो एफ जीरो है थ्रू एफ जीरो प्रोटोन कैन पास थ्रू जब

एफ वन को घूमना जरूरी है राइट एफ वन को घूमना जरूरी है एफ वन को घूमने के लिए घुमाने के लिए आपको एफ जीरो को भी घुमाना है राइट क्योंकि एफ जीरो के ऊपर एफ वन बैठे दोनों ऐसे बैठे बियरिंग की तरह जैसे बियरिंग होता है ना साइकिल में एक को घुमा दिया तो दूसरा घुमा जाए तो दूसरा कौन सा है एफ वन पहला कौन सा था एफ जीरो आप एफ जीरो के घुमाओगे तभी ना एफ वन घुमेगा एफ जीरो को कौन घुमा सकता है जब प्रोटोन फ्लाक्स होगा जब प्रोटोन फ्लाक्स होगा फ्रॉम इंटरमीडियन स्पेस टू मैट्रिक्स

ओके okay. तो एफ जीरो को घुमाने के लिए एक चीज आप याद रखो एफ जीरो को घुमाने के लिए इंटर मेमर स्पेस में बहुत ज्यादा प्रोटोन कंसेंट्रेशन होना जरूरी है ठीक है अब देखो इतना तक तो ये ये जो मैंने बताया ये था ओरिजिनल स्टोरी अब मैं, यहाँ पे और एक मैं जोड़ रहा हूं देखो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे तब क्या होगा फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी रिड्यूस टू

क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे तो जितना ज्यादा जितना रैपिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन विल विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड इवेंचुअली दिस बी टू फॉर्म वाटर राइट इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है राइट अब देखो यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यू नो दूसरा कला दे देते हैं अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अनकाप्ल अच्छा पहले बात कर लेते हैं कि कपलर क्या है उसके बाद अनकपलर के बारे में बात करेंगे ये जो दो प्रोसेस था एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दूसरा है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंट्रीब्यूशन यही है कि प्रोटोन पंपिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उतना रैपिड प्रोटोन पंप आउट होगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेबिल स्पेस इंटरमेब स्पेस में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोटोन आपको चाहिए क्यों? क्योंकि आपको एफ जीरो पार्टिकल जो है एटीपी उसको घुमाना है। उसको घुमाने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा से जादा चाहिए, राइट इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी चाहिए भी चाहिए प्रोसेस इट इज लिंक्ड नाउ यहां पे क्या होगा बोथ द प्रोसेसेस विल बी डीलिंक्ड लिंक हो जाएगा डीलिंक्ट हो जाएगा कैसे अब देखो एक एजेंट है

ये जितना ज्यादा मेम्ब्रेन को लीक कर देगा क्या होगा ये जो प्रोटोन पंप हो रहा था मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रोटोन विल अगेन कम बैक दिस पोर पहले क्या होता था मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता था मेम्ब्रेन था इंटैक्ट इसीलिए जो जितना प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक पंपिंग आउट हो रहा था वो फिर वापस मैट्रिक्स आने का कोई चांस ही नहीं था क्यों क्योंकि मेम्ब्रेन मेम्रेन इंटैक्ट

इसीलिए घुमा नहीं है, में है, -जीरो का मैं ही पा रहा हूं तो चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को बहुत रैपिड कर देते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को मैंने रैपिड कर दिया तब क्या होगा आईएमएस में भी मतलब प्रोटॉन पंपिंग ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा प्रोटॉन पंपिंग होगा आईएमएस एम में उतना ज्यादा प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विल बी रैपिड ऑक्सीजन विल बिकम व्हाट

ये तो 2.5 भी नहीं होगा 1.5 भी नहीं होगा राइट right? जनरली क्या होता है ये जो पी वाई ओ रेशियो है अगर एन ए डी एच से कंसिडर कर रहे हो देन टू पॉइंट फाइव जब एफ एच टू से कंसिडर कर रहे हो दिस रेशियो विल बी 1.5 राइट जब एटीपी सिंथेसिस से नहीं हो रहे तब वो रेशियो कितना होगा दिस रेशियो विल बी जीरो सिंपली दिस इज ऑल्सो करेक्ट अच्छा नेक्स्ट द प्रोटोन ग्रेडियंट डिसिपेट्स यस ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट प्रोटोन ग्रेडियंट कोलैप्स हो जाएगा क्ट तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन कंजन डिक्रीजेस ऑक्सीजन कंजन नॉट बी डिक्रीज इनक्रीज एक्सेप्ट दिस बी करेक्ट ओके तो ऑप्शन ए विल येक्ट आंसर राइट ऑप्शन एल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्पोरेशन रिक्वे ऑल ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट ऑक्सीडि फॉस्पोरेशन के लिए आपको सब कुछ चाहिए नीचे जितना सारा लिखा हुआ है एक्सेप्ट कौन सा नीचे अच्छा एक चीज आप देखो यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया था ये है आपका इनर मेम्ब्रेन ये है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो जब प्रोटोन पम्पिंग हो रहा था प्रोटोन जब पंप आउट हो रहा था तो यहाँ पे प्रोटोन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा राइट यहाँ पे प्रोटोन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा प्रोटोन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है प्रोटोन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा मतलब पीएच लेस आई एम एस भी प्रोटोन आपको ज्यादा चाहिए क्यों क्योंकि ये जो F0 है जो है क्यू है इसको घुमाना है इसको घुमाने के लिए प्रोटोन कंसेंट्रेशन सो दिस विल फेवर एटीपी सिंथेसिस अच्छा मतलब थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्पोरेशन यहां पे लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्पोरेशन रिक्वायर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओके चलो देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनडीएच एंड क्यू एच टू इन यस दिस इज करेक्ट अ मैट्रिक्स मोर पॉजिटिवली चार्ज दैन द इंटरमेम स्पेस देखो यहां पर लिखा है कि मैट्रिक्स मोर पॉजिटिवली चार्ज यहां पर अगर ज्यादा प्रोटोन कर दिया तो क्या होगा विल इट फेवर द रोटेशन ऑफ एब जीरो नो वाई बिकॉज यूर प्रोटोन शुड कम फ्रॉम इंटरमेम स्पेस टू मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड टू रोटेट एफ जीरोटीरोड बी कंटिन्यूस प्रोटोन फ्लॉक्स फ्रॉम आई एम एस टू मैट्रिक्स तो जब आई एम एस से मैट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं तो किसमें ज्यादा होने चाहिए आई एम एस में ज्यादा होने चाहिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर इन आई एम एस तो यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स लिखा, लिखा, लिखा है कि मैट्रिक्स मोर पॉजिटिवली चार्ज नो no. मैट्रिक्स अगर ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो आई एम एस में प्रोटोन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा आई एम एस में अगर कम हो गया तो कैसे एफ जीरो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माइटोकॉन्ड्रिया नो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू क्योंकि दिस विल ऑल्सो बी ऑक्सीजन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू सिंथेसिस

ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि टर्मिनल एक्सेप्टर शुड बी वाटर ठीक है सो बी एंड सी बोथ विल बी योर आंसर यस बी एंड सी दिस इज मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो द विड्थ ऑफ अ लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन इज थर्टी एम इट इज पॉर्मिटेड बाय अ प्रोटीन विच इज राइट हैंडेड अल्फाइलिक्स द नंबर ऑफ टर्नस आर अच्छा ठीक है चलो देखते हैं

पिच तो so, अगर टोटल है आपको जो टोटल जो डायमीटर है 30 एंगस्ट्रॉम है तो so, कितना टर्न होने सिंपली 30 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 5.4 एंगस्ट्रॉम राइट तो दिस विल बी समथिंग लाइक 5.6 आई गेस या दिस विल बी 5.6 बहुत आसान है एक्सट्रीमली इजी दिस क्वेश्चन राइट दिस विल बी 5.6 या दिस विल बी 5.6 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एन एंजाम कैटालाइज रिएक्शन आपको एक स्टेटमेंट यू नो आइडेंटिफाई करना है विच इज नॉट एप्लीकेबल टू एन एंजिक्स रिएक्शन एंजालाइज रिएक्शन फाइन चलो एंजियम कैटेलिस्टिस इन्वॉल्व प्रोपिन क्यूटी इफेक्ट्स एंजियम कैटेलिपिन प्रोपिन क्यूटी इफेक्ट्स क्या है क्लोजनेस क्लोजनेस मतलब प्रॉक्सिमिटी प्रोक्सिमिटी क्या प्रोक्सिमिटी है मतलब ये जो एंजाइम है सब्सट्रेट शुड कम हियर राइट मतलब इट हैज टू कम टू द प्रोक्सिमिटी इट हैज टू कम टू द एक्टिव साइट राइट सो इट इन्वॉल्व प्रोपिनक्यूटी इफेक्ट दिस इज करेक्ट क्लोजनेस मतलब सब्सट्रेट शुड कम क्लोज टू द एंजाइम राइट दिस इज करेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट टू द एक्टिव साइट कॉजेस स्ट्रेन इन द सब्सट्रेट यस दिस इज आल्सो ट्रू दिस इज आल्सो ट्रू

Each two are totally two different molecules, but this P is nothing but a derivative, derivative of the substrate, P is nothing but a derivative of the substrate, right, you see substrate say P again. you take an example of, uh, you know, first example, uh, first uh, uh, reaction of uh, glycolysis, glucose to glucose 6-phosphate, glucose to glucose 6-phosphate, right, glucose is molecule, glucose 6-phosphate another molecule, don't know what different, right, don't know different, but from where do you get glucose 6 phosphate? From glucose only. That means what? Glucose 6 phosphate is a derivative of glucose. That means age of glucose 6 phosphate, which is a product. This product is basically coming from the substrate only, right? So substrate a product but there will be a step, There will be a you know a transition where the substrate will be changed to product. This is called transitional changes. This is called there will be a strain in the substrate. There will be some changes in the substrate so that you can get a derivative of substrate, right? This is correct. Enzymes do not accelerate the rate of reverse reaction. Why not? Reaction is reaction, whether it is forward reaction whether it is reverse reaction. Enzyme is, will follow everything. Enzyme, the role which is played by enzyme, it will be, it will remain same. It, it will remain applicable to both.

न्यूक्टेट एनालीएनए सीक्वेंसिंग बाई चेन टर्मिनेशन मेथोड जो साइंग डायडिय मेथड है ठीक है यहाँ पे जो हम लोग डीएनए नो डीएनए का जो बेस है इसको हम लोग जो चेंजेस करते हैं कहाँ पे चेंजेस करते हैं देखो एक बार ये है वन टू थ्री फोर फाइव राइट ये जो टू है डी ऑक्सी ये जो टू वाला पोजिशन है टू प्राइम वाला जो पॉजिशन है यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे तो ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं होता है राइट ये जो थर्ड वाला पॉजिशन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं, नहीं होता है यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होता है यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं यहाँ पे राइट तो जो डाई डाईडियक्सी है क्यों क्यू डाई डाइडियक्सी क्योंकि यहाँ से शुरू होगा नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ से शुरू होगा नेक्स्ट रिएक्शन देखो मैं बता रहा हूँ आपको देखो वन टू थ्री फोर एस टू फाइव राइट अच्छा मान लीजिए यह है एग्जिस्टिंग है इनकमिंग मतलब एग्जिस्टिंग डी एन टी पी यह है इनकमिंग डीएन टी पी राइट ओके फाइन यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस्ट रहेगा नाइट्रोजन बेस्ट रहेगा यहाँ पे यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस्ट रहेगा राइट ओके फाइन आप देखो

दोनों में आपको क्या करना है एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है राइट अच्छा उस एडिशन में पे आपको, क्या पता चल कि 3 OH तो ए, आपको चाहिए क्योंकि दिस विल ट्रिगर द तो जब थ्री प्राइम ओ एच न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑनफाफॉस्पेट ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड इट बॉन्ड एंड बीटा रिलीज्ड राइट तो अगर जब ए वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है जब ग्रीन वाला एड हो गया देन ग्रीन विल बिकम एग्जिस्टिंग एल्स विल अगेन कम अटैक तो एवरी टाइम जो ऑलरेडी OH so बैठ गया जो ऑलरेडी एडेड हो गया उसका थ्री प्राइम ओएच विल अटैक अटैक दिस विल मेक अटैक राइट ओके तो ए था इसका नॉर्मल फंडा ये जो यू you नो know, जो चेन टर्मिनेशन मेथड है पे पे इसका फंडा क्या क्या है है मैं आपको एक एक अभी बता रहा हूं। पे क्या है? ये जो जो बनाया से मतलब अगर ओ को हटा दिया तो क्या होगा ओ वाला न्यूक्लियोटाइड तो ऐड हो जाएगा क्योंकि उसको एडिशन होने के लिए थ्री प्राइम ओच नहीं चाहिए

जब ग्रीन एड हो रहे ड्यूरिंग एडिशन ग्रीन डज नॉट रिक्वायर थ्री प्राइम ओ एच ग्रीन रिक्वास ओनली फाइव प्राइम फर्स्टेट क्योंकि एडिशन होगा प्राइम किसका जिसको एड होना है जिसको एड होना है दैट रिक्वायर्स ओनली फाइव प्राइम फर्स्टेक्ट जिसके साथ ऐड होना है मान लीजिए कि रेड के साथ ऐड होना है सो रेड शुड हैव प्राइम ओएच, अंडरस्टूड तो रेड के साथ ग्रीन को ऐड होना है

इसको हम लोग क्या बोलेंगे डी डी एन टीपी मतलब डाई डी ऑक्सी डाई डी ऑक्सी डाई डी ऑक्सी डाई मतलब ऑफ टू डी मतलब ऑफ एबसेंस ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन मतलब एबसेंस ऑफ टू ऑक्सीजन वन एट टू प्राइम एनदर एट थ्री प्राइम अच्छा इसका क्या एडवांटेज है मैं भी आपको एडवांटेज बता रहा हूं इसका एडवांटेज क्या है

अब देखो पे मान लीजिए आपको दिया डी ए टीपी डी टी टी पी डी टी पी एंड डी 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 टी पी ठीक है ए इन्विट्रो रिएक्शन दिस इज एंड इनविट्रो रिएक्शन इन्विट्रो रिएक्शन में क्या कह दिया हो देखो dATP, dTTP, dCTP, dGTP. अगर ये आपका टेम्पलेट हुआ अगर ये आपका टेम्पलेट हुआ एंड आप सिंथेसिस से शुरू किया हो ठीक है तो पहले क्या होना चाहिए ए होना चाहिए पहले देखो डी ए है ओके ए हो गया फाइन नेक्स्ट क्या होना चाहिए टी डी टी, टी पी है टी भी एड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है देन क्या होना चाहिए जी जी में क्या है डी जी टी पी जब जी एक बार ऐड हो गया यही पे स्टॉप हो जाएगा तो अगर आपका टेम्पलेट टी ए -सी -जी -टी है, आपको सिर्फ मिलेगा जी मिलेगा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे डी डी जी टी पी दिए हो मतलब जैसे जी यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ दूसरा ऐड होने के लिए यहाँ पे थ्री प्राइम ओ एच होना चाहिए जो कि नहीं है अंडरस्टूड अभी पूरा फंडा समझ में आया ओके तो ये जो चेन टर्मिनेशन मेथड है सेंगर का सेंगर डायडोक्सी मेथड सो इट विल बी टू प्राइम थ्री प्राइम डायडोक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट राइट सो आंसर विल बी बी या आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम वॉज मेजर बाय वेरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेट in the presence of three different concentration of inhibitors 0, 2 and 4 millimolar the double reciprocal plot given below suggests that the inhibitor exhibits which type of inhibition. Okay, fine. Acha. this you know 1 by versus 1 by this is basically LB plot, right? This is basically LB plot. If you LB plot then you will definitely understand that this is the point which will indicate 1 by v and these are the point which indicates 1 by km 1 by km theek hai acha ab dekho aap ye jo inhibitor hai inhibitor concentration increase kar rahe ho inhibitor concentration increase kar rahe ho right and iska jo km ka jo value hai km ka value increase ho raha hai and Vmax max remains same तो कौन से कैटेगरी में आता है कौन से category में आता है जहां पे Km का value increase होगा and वीएम का वीएम वीमैक्स का value same रहेगा That That will will right? will come come under under right? isn't it? So, your answer will be inhibition. क्यों? आपका वैल्यू ज्यादा हो रहा है कैसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं मान लीजिए ए है जीरो इनिविटर जब जीरो तो जब इनिविटर जीरो है ए आई इक्वल्स टू जीरो ए वाला है तो जब इनिवीटर ज्यादा कर रहे हो तो KM के का वैल्यू भी ज्यादा हो रहा है इधर से इधर आ रहे हैं मतलब ज्यादा हो रहे वन बाई है ना तो इसीलिए वैल्यू भी ज्यादा होगा दैट दिस दिस विल विल टू इनमिशन राइट या दिस विल विलेस्पॉन्ड टू कंपरेटिविशन नेक्स्ट देखो अ प्रोटीन स्पैस फोर नैनोमीटर सेवन टाइम्स थ्रू इट्स लिकल डोमेन

मतलब 280 एंगस्ट्रॉम 280 एंगस्ट्रॉम तो अगर 280 एंगस्ट्रॉम ये कवर हो रहा है तो इसमें हाउ मेनी अमाइनो एसिड हो सकता है तो सिंगल अमाइनो एसिड का कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना होगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना होगा 280 डिवाइडेड बाय 1.5 दिस विल बी समथिंग अराउंड 185 आई गेस देखो राइट? Right? क्योंकि देखो, ये जो सिंगल टर्न है सिंगल टर्न में टोटल पिच कितना टोटल पिच है फाइव पॉइंट फोर एम स्ट्रॉन्ग जहां थ्री पॉइंट सिक्स अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है तो हर एक अमाइनो एसिड का कितना होगा वन पॉइंट फाइव एम अमाइनो एसिड राइट बहुत आसान है तो अगर टोटल रास्ता है टूट टू एटी

ये जो अल्फा एलिक्स है अल्फा एलिक्स कौन सा एसिड है जो कि अल्फा एलिक्स ले सकता है किसका एबिलिटी ज्यादा है विच कैन फॉर्म अल्फा एलिक्स अच्छा उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी एबिलिटी ओके एबिलिटी टू फॉर्म अल्फा एलिक्स प्लीज रिमेंबर दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्लीज रिमेंबर एलानिन एंड आर्जिनिन एलानिन एंड आर्जिनिन विल हैव मैक्सिमम एबिलिटी टू अल्फा एलिक्स ओके ऑपर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लीज इसको याद रखो या एलानिन एंड आर्जिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एम आर एन ए प्रायर टू स्प्लाइसिंग और पॉलियाडिनाइलेसन एज अ फिफ्टीन परसेंट ऑफ ए ट्वेंटी परसेंट ऑफ जी थर्टी परसेंट यू एंड थर्टी फाइव परसेंट सी वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डी दैट इट वॉज ट्रांसक्राइब आसान क्वेश्चन है बट छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे क्या बोल रहे डीएनए से आपको निकालना है एम आर एन ए में यहाँ पे बताया ए का कितना T, U का कितना जी का कितना सी का कितना ये यह सब यहाँ पे बोला है फाइन अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे डीएनए का जो सीक्वेंस था यहाँ पे क्या होना था ये तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है राइट right? अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो परसेंटेज ऑफ ए शुड बी सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ टी परसेंटेज ऑफ जी शुड बी सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ सी सिंपल राइट यहां पे आपको ये पूछा रहे पूछ रहे हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था कौन सा परसेंटेज है जो कि सही है अब देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब ए का परसेंटेज शुड बी इक्वल टू सी टी का परसेंटेज एंड जी का परसेंटेज शुड बी इक्वल टू तो सी का परसेंटेज चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट टी है थर्टी परसेंट ए है

टू पेयर विथ ईच अदर अगर दोनों प्यूरिन एक साथ प्यार हो गया देन क्या हो जाएगा प्रॉब्लम देखो जनरली क्या होता है एक प्यूरिन के साथ दूसरा पीरिमिडिन का होता है या तो एक पीरिमिडिन के साथ दूसरा प्यूरिन का होता है राइट तो अगर दोनों ही प्यूरिन हो गया देन वाट विल बी द प्रॉब्लम अगर किसी किसी भी हालत में अगर दोनों यू नो मैच कर गया मैच इन देंस दोनों पेयर हो गया देन इन दैट केस वॉट विल बी द प्रॉब्लम दिन मॉलिको लॉन्ग अम अबल एलिक्स

ligase could no longer fulfill its function no this is also wrong this has nothing to do with this right so your answer will be b yes your answer will be b next an amino acid has one proton donating group in the side chain are the pkch pknh2 pkr values of these amino acids are 2.19 9.67 4.25 respectively विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस इज करेक्ट ओके ऑलराइट तो एक बार देख लेते जो वैल्यू दिया हुआ है पी के सी डबलो ग्रुप इज टू पॉइंट वन नाइन पी के आर ग्रुप फोर पॉइंट टू फाइव पी के एन एच टू इज नाइन पॉइंट सिक्स सेवन ओके okay? अच्छा अगर ये, ये, ये जो वैल्यू है ना ये जो वैल्यू देख रहे हो आप इस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा जब पीके आर का वैल्यू फोर पॉइंट हो रहा है और तो जब इसी इसी वैल्यू से आपको पता चलेगा क्योंकि अगर ए ए जो वैल्यू है ए अगर फोर से ज्यादा है मतलब एट नाइन ऐसे कुछ हो रहे पीकीआर का वैल्यू

At pH 4.25. Net charge 0 ka voga? Net charge 0 in isolated point. So, isolated point in this case will be calculated like 2.19 plus 4.25 divided by 2, which is of course not 4.25, right? This is wrong. This is wrong. Next, all the molecules will have a deprotonated R group at pH 3.22. No. ये, ये होगा थ्री पॉइंट टू टू तो थ्री पॉइंट टू टू में आपका यह चार्ज हो जाएगा जीरो नेट चार्ज विल बी जीरो राइट सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट नेक्स्ट ड्यूरिंग टाइटेशन विद विद्रॉन्ग बेस डी प्रोटोनेशन विल स्टार्ट विद द आर ग्रुप नो सॉरी डीप प्रोटोनेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ओके सो प्लीज रिमेंबर डीप प्रोटोनेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ओके दिस इज ऑल्सो रॉन्ग First statement, yes, First statement 1 will be correct. Next, question number 21. As a part of science competition, a student is asked to identify an unknown molecule as either DNA or RNA. A competition, chal raha tha, apko, uh, you know, uh, identify karna hai whether a sequence belongs to DNA or RNA. Which of the following characteristics would be the strongest evidence?

एक सीक्वेंस मैंने यहां पर रहा हूं ए सी जी डी सी एन जी इस सबको पता चलेगा कि ये डीएनए का है या आरएनए का है ये यहां पे पता नहीं चलेगा राइट क्योंकि यहां पे सिर्फ हम लोग वी आर डीलिंग थ्री न्यूक्लियोटाइड सो व्हाट विल बी द फोर्थ वन दैट डिसाइड्स दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू डीएनए और आरएनए एन तो पे लिखा है कि एबसेंस ऑफ यूरासिल यहाँ पे तो यूरासिल नहीं है यहां यूरासिल तो नहीं है तो यहां यूरासिल नहीं है दैट मीन दैट इसको आप डीएनए बोल सकते हो या तो RNA बोल सकते हो यू कैन नॉट से प्रेजेंस ऑफ थाइमिन अच्छा यहाँ पे अगर आप था बैठा टू बी आर एन ए राइट इज प्रेजेंस ऑफ थाइमिन हो गया

About these enzymes is correct. It says topoisomerase will not affect the transcription in any ways as they are active only when DNA is replicating and positive supercoiling occurs. No, topoisomerase will not affect transcription in any ways. It is not like that. Topoisomerase should facilitate the transcription process, right? Here it says topoisomerase will interfere with the transcription process. No, topoisomerase will facilitate the transcription.

Yes, she will be your correct answer. Next, question number 23. In a classic experiment carried out by John Buchanan and G. Robert Greenberg, they were feeding radio leveled N10 formyl tetrahydrofolate to some pigeons. While analyzing their excreta, means their uric acid, they came to know that the radio leveled element, element was incorporated during purine biosynthesis. Which atom of purine was radio leveled?

Similarly, ten N10 formal folate, also contributes to C8. Here, e carbon dioxide, hai, jisko bicarbonate, bhi HCO3 minus, that contributes to C6. Okay? And glycine itself, look, look at the contribution of glycine. Glycine contributes to three things. What are the three things? C4, C5, and N7. C4, C5, and N7. These three things.

पीरमिड नॉन प्लान नियरली प्लानट था या कुछ उल्टा बोल रहे थे अच्छा यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत आसान है देखो अगर यू नो इफ यू स्टडी साइंस बाई हार्ट आई कैन टेल यू गारंटी फॉर गेट इट बट इफ यू यू ट्राई टू स्टडी साइंस लाइक अस्ट्री यूलूज ऑलवेज विलट मी टेल यू सी आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिकुलज आई एम टेलिंग यू प्यूरिन के बारे में मैंने क्या बोल रहा हूँ

But when you are dealing with two things, for an example, let's say one is in this plane, another in this, another plane, like that. So it will be nearly planar. Understood? So constant nearly planar hai? because you are dealing with two membered ring, means one six membered, another five membered. So your purine will be always nearly planar. And your pyramid will be always planar only. Why? Because it is single, six membered, single. It has to be same plane yes you know you need to deal with two you know member rings in purine you are dealing with two different member rings one is six member and another is five member that's why you need to keep it in single plane that's why it is nearly planar but in case of pyrimidine, you are dealing with only single means six member single so this will be always planar right so purine is nearly planar pyrimidine is planar this is this statement is correct purine and pyrimidine bases are hydrophilic no purine pyrimidine bases are hydrophobic right backbone of dna and rna are hydrophilic yes their backbone are hydrophilic but the nitrogen base nitrogen base you know uh, you have uh, uh, you know benzene ring the phenyl ring phenyl group ring right so this will be hydrophobic so this is wrong statement next and as at acidic and alkaline ph the purine and pyrimidine bases become charged and the solubility in water increases. Absolutely true. Absolutely true. Okay, so once their charge will be more, once their charge will be more, definitely it will be, uh, you know, solubilized more in water. Yes. So, here a question tha which of them are likely to be true? So, A, C, and D. A, C, and D should be true. So, C will be your correct answer. C will be your correct answer. Next, Deko. You are carrying out a molecular biology experiment in our DNA lab.

तो ह्यूमन डीएनए अब देखो, अब दो पार्ट है यहाँ पे जिससे आप डाइजेस्ट कर रहे हो यहाँ डाइजेस्ट कर रहे हो दोनों तो चाहे आप आप शायद सोच रहे हो कि डीएनए के साथ सिंपाजी का डीएनए कैसे ऐड करेंगे या तो कुछ गोरिला या तो यू नो इक्वल यू माइट बी थिंकिंग सो मेनी थिंग्स ऐसे एस एस कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन डीएनए के साथ, साथ ला का ऐड हो जाएगा कैसे पॉसिबल है आपको सिर्फ ऐड ही करना है राइट बाकी छोड़ो क्या होगा नहीं होगा वो सब छोड़ो आपको सिर्फ ऐड करना है तो अगर ऐड करना है बेसिकली वेदर लाइगेटेड और नॉट तो अगर क्वेश्चन है सिर्फ लाइगेशन का तो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों जो डाइजेशन हो रहा है दोनों शुड बी डाइजेस्टेड विद द सेम एंजाइम राइट हियर इट इज डाइजेस्टेड विद एक्स हियर इट इज वाई दिस इज रॉन्ग डाइजेस्टेड विद एक्स वाई दिस इज आल्सो रॉन्ग

क्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेटिव डीएनए इज विस्कस ये भी एक एक्सपोर वैल्यू है आपको याद रखना है ठीक है दिस विल सेवन एंड टेम्परेचर डिग्री सेंट पी एच विलवन एंड टेम्परेचर बी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिकेट इसको आपको याद रखना है मेमोरी बेस्ट आई आई कैट हेल्प यू इन इनक्रीजिंग योर मेमोरी i can definitely help you in, uh, you know, in uplifting, uplifting your skill, your knowledge, and as well as your confidence. that much i can do you. That i can do to you definitely, but i cannot increase your memory power. sorry, that has to be done by you. okay. next, 27. number of cycles required to completely hydrolyze arachidonic acid into acetyl coa. Ac arachidonic acid into acetyl coa by, of course, beta oxidation. बीटा ऑक्सीडेशन राइट चलो बीटा ऑक्सीडेशन अच्छा मतलब यहाँ पे दो कार्बन होगा सी टू राइट अच्छा अगर आप ट्वेंटी कार्बन से शुरू कर रहे हो मतलब एरेकेटनिक एसिड जिसमें ट्वेंटी कार्बन है ट्वेंटी कार्बन से आप शुरू कर रहे हो राइट right? तो आप बताओ यहां कि पे कितना साइकिल चाहिए नाइन साइकिल क्योंकि नाइन साइकिल मतलब नाइन एसिडल को राइट मतलब एटीन कार्बन इधर हो गया और फाइनली दो कार्बन रहेगा यहाँ पे ये भी एसिडल को रहेगा आपको अल्टीमेटली टेन एसिडल को मिलेगा विल गेट टेन एसिडल को बिकॉज टेन इंटू टू इट विल बी ट्वेंटी बट द थिंग इज दो यहाँ पेगा राइट तो जो दो निकल के जा रहे और दो जो जो बच्चा रहेगा वो भी acetyl

They will get their energy from anaerobic glycolysis, right? Because they don't have mitochondria. They don't have nucleus also. Yes, anaerobic glycolysis. Next, question number 29. Given below are some of the statements that may or may not be correct. Choose the option that represents the combination of all the correct statements. Okay, let's see. Fructose 2,6-bisphosphate is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase 1. Sorry. ATP is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase. This is wrong. The TCA cycle intermediates, particularly succinate and oxalacetate, can both be derived from amino acid. Yes, this is correct. A diet rich in cysteine can compensate for a methionine deficient diet in humans. No, extremely sorry. You know, cysteine cannot do the functions of methionine. Absolutely not. This is not possible. Right? This is not possible.

डी एंड ई तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर या सेकेंड आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी मॉलिकुल्स प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रैफ्ट ओके मॉलिक्यूल्स व्यूच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रैफ्ट लिपिड रैफ्ट जो होता है वहां पर कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत आसान है ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है देख लेते फिर भी नो सॉरी सॉरी ग्लाइकोसाइल ग्लैकोसाइल स्पिंग नो 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 सॉरी लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रोल यस स्पिंगो लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रोल दोनों मिला के लिपिड रेट बनाते हैं ठीक है दिस इज ऑल्सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्लीज रिमेम्बर ओके दिस इज ऑल्सो बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन आपको दिस इज अ गुड क्वेश्चन ओके थैंक यू बोलने का टाइम आ गया थैंक यू बोलने से पहले फिर भी एक बार मैं याद करा दे रहा हूं आपको बायो केमिस्ट्री पार्ट है बायो केमिस्ट्री में जनरली जो बायोमोलिक वाला पार्ट है उसमें डीएनए केमिस्ट्री इंजियन केमिस्ट्री प्रोटीन केमिस्ट्री न्यूक्लियर एसिड केमिस्ट्री दीज आर दोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनिस दैट आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा मेटाबॉलिज्म से दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्पोरूसन दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल एंड सम इधर उधर वाला क्वेश्चन ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन थैंक यू